सो गाइज, आज का ये वीडियो इस वाली वीडियो का पार्ट टू होने वाला है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किसी किसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो और अपने एनिमीज को हेडशॉट्स मार सकते हो, और सिचुएशन क्रिएट करना एक स्किल होता है। और आज की इस वीडियो में आपको इसी चीज के बारे में और ज्यादा बताऊँ, तो मैं आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने एनिमीज को निपटा सको। तो गाइज, सबसे पहली सिचुएशन है कि जब एनिमीज हमारे पीछे हाथ पैर धो के पड़ जाते हैं। जी हाँ गाइज, आपने देखा होगा कुछ एनिमीज ऐसे होते हैं जो कि हमारे पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं कि आप तो तुझे फिनिश करके दे। तो ऐसे कुत्तों को ऐसे एनिमीज को अपने किस तरीके से निपटाना है, आइए जानते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप इस क्लिप को देखो, ये फुल मैप का क्लिप है और फुल मैप के ऊपर कोई सामने वाला कोई भी बंदा वन टैप नहीं खेलता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लूट किया और मुझे यहाँ पे फुटस्टेप्स की आवाज आई, और जैसे मैं आगे को गया तो एक बंदा अंदर की साइड को आया। इसको मैंने हेडशॉट मारने का ट्राई किया, इसको हेडशॉट नहीं लगा, और फिर क्या हुआ कि एक और एनिमी की एंट्री होती है, दो एनिमीज आगे मेरे पास। तो दो एनिमीज को देख के आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको चाहिए एक परमानेंट कवर। तो यहाँ से मैं तत्सुआ की एबिलिटी को यूज करके यहाँ पे आ गया, और ये एक सबसे बेस्ट पोजीशन। दो एनिमीज को उनके सामने वन टाइम मारना मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इजी सिचुएशन क्रिएट होगी, अगर एनिमीज ऐसे भाग के आएंगे तो मैं यहाँ पे उनको वन टाइम मार पाऊंगा। यहाँ से एनिमीज आए बट उनको हेडशॉट नहीं लग पाया, मैंने दो बार ट्राई किया और उनको हेडशॉट नहीं लगा। उसके बाद मैंने फिर से पोजीशन चेंज की, एक एनिमी अंदर से आया। अब आप देखो यहाँ पे डबल वेक्टर है एनिमी के पास, और मैंने इसके ऊपर फायर किया और मैं फिर से अंदर को भाग गया। इस तरीके से मैंने कवर लिया, और फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे बात नहीं बनेगी, मुझे भागना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एबिलिटी यूज करके इधर को भाग किया, और मैं यहाँ से पूरा आ गया यहाँ। अब यहाँ पे इजी सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि अगर एनिमीज यहाँ से अंदर से आएंगे तो एक आध को मैं हेडशॉट मार पाऊंगा। पर अंदर से कोई भी एनिमी नहीं आता है, एक एनिमी आता है लेफ्ट साइड से, और मैं उसे हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ बट उसे हेडशॉट नहीं लगता। और फिर मैं जैसे ही इस साइड को आता हूँ तो खिड़की से बंदा कूद के आया, और देखो मैंने इसको इजी पीजी हेडशॉट मार दिया। और उसके बाद देखो दूसरा एनिमी डबल वेक्टर वाला भाग के आया, और इसको भी मैंने हेडशॉट मार दिया। तो इसे कहते हैं गाइज सिचुएशन क्रिएट करना। जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं जिनका आप गेम प्ले देखते हो यूट्यूब के ऊपर, वो सारे बंदे ऐसा ही करते हैं। डैमेज जो होता है ना, आपकी एचपी सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको खुद को नहीं बचाना है, आपको अपनी एचपी को बचाना है। और आपकी एचपी कितनी होती है, 200। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एनिमीज के साथ फाइट लेना शुरू कर देता तो इन्होंने मुझे यहीं पे निपटा देना था। तो मैं पहले इधर को गया जिससे कि एनिमीज इजी जगह पे मेरे पास आए, फिर मैं इधर को गया, ऐसे ऐसे करके मैंने दो तीन लोकेशन चेंज की, फिर मैं इनसे थोड़ा सा दूर चला और मैंने फिर इजी सिचुएशन बनाई। पहले एनमी को हेडशॉट लगा क्योंकि वो मेरी साइड को भाग के आ रहा था, और दूसरे एनमी को भी इसीलिए हेडशॉट लगा। सिचुएशन क्रिएट करना एक स्किल है। अभी आप एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी दो एनमीज थे और मैं भाग के गया यहाँ को, और मैंने एक ग्लू वॉल लगाया, एक एनमी मेरे सामने था पर फिर ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो मैंने इनके साथ यहाँ पे फाइट नहीं लिया। मैंने एक बार फायर किया, फिर मैं भाग के किधर को गया क्योंकि मुझे एक सिचुएशन क्रिएट करनी। तो मैं यहाँ पे आके रुक गया, और मैंने क्या ट्राई किया कि जब एनमी सीधा भाग के आएगा मेरी साइड को तो मैं उसे हेडशॉट मारूंगा, और ऐसा ही हुआ। जैसे एनमी मेरी साइड को आया मैंने उसे हेडशॉट कनेक्ट कर दिया। अगर आप एनमीज को देख के वहीं पे फाइट करना शुरू कर दोगे तो वो आपको निपटा देंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, आईक्यू लगाना पड़ेगा, उनको इधर उधर बुलाना पड़ेगा, सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, तब आप अच्छे से गेम को खेल पाओगे। अभी आप एक और सिचुएशन देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें डैमेज पड़ गया होता है और हम मेडी यूज कर रहे होते हैं और एक एनिमी हमारे क्लोज आ जाता है, मतलब कि हमारे ऊपर रश कर देता है। जैसे इस क्लिप के अंदर हुआ, दूसरा एनिमी मेरी ग्लू वो तोड़ रहा है और मैं मेडी यूज कर रहा था, और एक एनिमी एकदम मेरे क्लोज आ गया और मुझे मारना है वन टैप और ये पूरा मुझे भरे। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने यहीं पे इसी पॉइंट पे एनिमी के साथ फाइट नहीं लेनी है, आपने जाना है सबसे पहले कवर में और आपने यूज करना है राइट पीक, और भरने वाला एनिमी आपको भरेगा, कंटिन्यू भरेगा, और इस टाइम पे आप उसको इजी पीजी वन टैप चिपका पाओगे। अगर आप इस क्लिप को नॉर्मली देखोगे तो आपको कुछ भी खास दिखाई नहीं देगा, आप ये देखोगे कि हाँ एनमी मेडी लगा रहा था, मतलब कि मैं मेडी लगा रहा था, उसके बाद मैं भाग के गया और मैंने कवर में जाके एनमी को हेडशॉट मारा। अभी जब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि जब मैं खेल रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, तो अभी आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी कि भाई अब हम भी ऐसा करें। और देखो गेम के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लक भी काम करता है, हर बार आप अपने एनमी को हेडशॉट नहीं मार पाओगे, हर बार टिप्स एंड ट्रिक काम नहीं करते, और ऐसा सबके साथ होता है, गेम को अपने ज्यादा सीरियस नहीं लेना। अभी आप थोड़े और एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आया और जैसे उतरा यहाँ पे एनमी था और उसने मुझे भरना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले क्या करना है, जाना है कवर में और राइट पीक का यूज करना है, और फिर ट्रिक कौन सी यूज करनी है, बंदा भरेगा और आपने फायर करना है सेकंड फायर,
और एनमी को हेडशॉट लगे। भरने वाले एनमी के अपने क्लोज में फाइट नहीं लेनी है, मतलब कि उसके क्लोज में ज्यादा उसके क्लोज में मत रहो, नहीं तो वो भरेगा और आपका कॉन्फिडेंस वैसे कम हो जाएगा। अगर आप हेडशॉट मार भी पाओगे आप तब भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे। और जब आप यूट्यूब के ऊपर बाकी प्लेयर्स का गेम प्ले देखते हो ना, आप गेम प्ले के अंदर ये देखा करो कि ये प्लेयर इस सिचुएशन के अंदर कैसे, इसने इस सिचुएशन को कैसे डील किया, और आपको फिर ये देखने को मिलेगा कि वो बंदे सीधा फाइट नहीं लेते हैं, वो एक इजी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अगर सिचुएशन टफ हो जाए तो वो वहां से थोड़ा सा इधर उधर भाग के एनिमीज को अपनी सेट को बुलाते हैं, फिर उनको वन टाइम मारते हैं। तो सिचुएशन क्रिएट करना एक स्किल है और ये आपको जरूर से सीखना चाहिए। अगर आप सीख गए तो फिर आपके हेडशॉट ही हेडशॉट लगे। तो बस फिर गाइज इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय।